आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज का टॉपिक है थीम्स फार्मूला फॉर अनकन्फाइंड एक्विफर। तो आज हम डिराइव करेंगे थीम्स फार्मूला अनकन्फाइंड एक्विफर के लिए। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक अनकन्फाइंड एक्विफर है जिसमें ये जो लेवल है ये वाटर टेबल लेवल है, वाटर टेबल। तो जब वाटर इसमें से पंप होगा, निकाला जाएगा, तो ये कोन इस तरह बन जाएगा, ये ऐसा। तो ये कोन कहलाता है कोन ऑफ डिप्रेशन। तो जब पानी इस वेल से निकाला जाएगा तो जो अगल बगल का एरिया होता है वहाँ से भी पानी हट जाता है और इस शेप में बन जाता है, ऐसा। ये शेप कोन टाइप का ये बन जाता है, तो ही कहलाता है कोन ऑफ डिप्रेशन। तो अब इसमें ये एक मेन वेल है, ये जो वेल है वो है मेन वेल, और बाकी दो ऑब्जर्वेशन वेल लगाए गए। तो थीम्स में ये दो ऑब्जर्वेशन वेल लगाएं इसके अंदर, जहाँ ज़ीरो डॉट डाउन है इसके अंदर। तो जो ये है, ये इसको ये पहला ऑब्जर्वेशन वेल मान लिया, ये जो ऑब्जर्वेशन वेल है इसको दूसरा ऑब्जर्वेशन वेल मान लिया। तो ये दोनों है आपका ऑब्जर्वेशन वेल। ऑब्जर्वेशन वेल तो ये जितना हाइट है वाटर की इसमें, इसको एच मान लिया, और जितना पानी जितना ड्रा डाउन नहीं होता है, जैसे ये वाटर लेवल है वेल में, ठीक। फिर इसके बाद जब पानी निकाला गया तो जितना पानी ये शो कर रहा है, मतलब जितना नीचे गया ये वाटर लेवल वेल में, ये आपका कहलाता है ड्रा डाउन। तो पंपिंग के बाद ये लेवल नीचे जाएगा वेल में, तो यही आपका ड्रा डाउन, ये एस से डिनोट कर रहे हैं। तो अब पहले वेल में देखें, जो कि आर वन डिस्टेंस पे, ये जो सेंटर ले लेते हैं वेल का, ये सेंटर है। तो अब सेंटर ऑफ वेल से जो पहला वेल था वो आर टू डिस्टेंस पे ले लेते हैं, और जो दूसरा वेल है इसको आर वन डिस्टेंस पे लेते हैं, ये पहला वेल है। अब जो दूसरा वेल है वो आर टू डिस्टेंस पे लेते हैं। अब इसके बाद इन दोनों ऑब्जर्वेशन वेल में जितना ड्रा डाउन हो रहा है, तो पहले ऑब्जर्वेशन वेल के ड्रा डाउन को एस वन से डिनोट करते हैं। ये क्या, ये ड्रा डाउन है, इधर पानी नहीं है। ये जब कोन ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो ऑब्जर्वेशन वेल में भी ऐसे पानी यहाँ हट रहा है इस कोन की वजह से, तो ये ड्रा डाउन हो रहा है ऑब्जर्वेशन वेल पहले में। ये हाइट है वाटर की ऑब्जर्वेशन वेल में अभी, कितना वाटर कितनी हाइट तक है। अब वैसे ही इसमें भी इसको एस टू मान लीजिए इस ड्रा डाउन को, ठीक, और इसको एच टू। और ये जो वेल लेते हैं, ये रेडियस ऑफ ज़ीरो, ये जो वेल है जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस लेते हैं वो ज़ीरो ड्रा डाउन, यहाँ है आप देख रहे हैं ज़ीरो ड्रा डाउन है यहाँ से लेके सेंटर ऑफ वेल। तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ वेल से लेके यहाँ तक, ये रेडियस ऑफ ज़ीरो ड्रा डाउन यहाँ तक। अब इस पे जो ये बन रहा है कोन ऑफ डिप्रेशन, कोई छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्विफर का, जैसे ये ले लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस पे देखिए ये हाइट यहाँ से एच ले लेते हैं इसकी, तो ये यहाँ ये ट्रायंगल बना रहा है, ये बहुत स्मॉल एरिया है। तो इसको कर लेते हैं डी आर, ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं डी एच, ये वाला डी एच, ये आपका डी आर।
ये डी आर, ये थीटा ले लेते हैं। तो एरिया बहुत छोटा है तो टेन थीटा ले रहे हैं। टेन थीटा इस कल्लू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डी एच अपॉन डी आर। तो ये है आपका आई, डी एच अपॉन डी आर, ये आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। यहाँ आई की वैल्यू ऐसे फाइंड हो गई। अब आते हैं डेरिवेशन पे। तो हम लोग जानते हैं कि डार्सीज़ लॉ होता है क्यू इज इक्वल टू के आई ए, ये है डार्सीज़ लॉ। और ये हम लोग पीछे देख चुके हैं ये कैसे आया है, आई इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी आर। अब यहाँ पे आई की वैल्यू इसमें पुट करनी है और ए की एरिया है 2πRH, ये एरिया है। तो इस वैल्यू में आई की वैल्यू और ए की वैल्यू हम लोग पुट कर दिए तो ये कुछ ऐसा मिला इक्वेशन। अब इसको अरेंज करेंगे ऐसा, जो डी आर अपॉन आर एक साइड कर लेंगे और बाकी की वैल्यू बची 2πK अपॉन क्यू एच डी एच एक साइड में कर लिया। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है R1 से R2 में और H1 से H2 में। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं ये R1 है R2 फिर H1 H2, तो इन दोनों के बीच में हमें इंटीग्रेट करना है। फिर इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू मिलेगी हम लोग को, ये इंटीग्रेशन कर दी R1 से R2 dr अपॉन r, H1 से H2 2πk अपॉन q h dh। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती है तो आप ये तीन स्टेप याद कर सकते हो, ये ये ये। अगर इंटीग्रेशन आती है तो इस स्टेप के बाद आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, अगर नहीं आती कोई बात नहीं, ये आप ये तीन स्टेप आसानी से याद कर सकते हो। तो ये वैल्यू हम लोग को मिलेगी लॉग ई पाई के क्यू H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से बहुत ईजी है, आप K की वैल्यू फाइंड कर लो, के को एक तरफ कर लो, बाकी जितना वैल्यूज़ बची हैं एक तरफ कर लो, तो ये आपका हो जाएगा क्यू लॉग ई R2 अपॉन R1 अपॉन पाई स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर। तो के की वैल्यू हम लोग को यहाँ से फाइंड हो गई। अब हम लोग अगर क्यू की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी यहीं से मिल जाएगी, क्यू को एक साइड कर लीजिए बाकी ये इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा ये पाई के H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर अपॉन 2.3 लॉग 10 R2 अपॉन R1। अब ये जो फार्मूला है ये आगे और सिंप्लीफाइड हो सकता है, H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए फार्मूले पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इस फार्मूले पे आप रखेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी H2 प्लस H1 H2 माइनस H1। और पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H1 माइनस H2। ये चीज़ जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो H2, ये H2 में से हम लोग H1 माइनस करते हैं, उस किसके इक्वल है S1 में से H2 माइनस करते हैं, ये चीज़ पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब मान लो हम लोग इस वेल में या तो ड्रा डाउन नहीं हुआ है, ये वेल से पानी नहीं निकाला गया, या कि बहुत ही कम मात्रा में पानी निकाला गया, और ये जो ड्रा डाउन है S1 है बहुत ही कम है, ठीक, और इसमें भी तब कम होगा H2 में भी, तो मान लेते हैं तो ये लगभग H के इक्वल होगा, या ये इसकी यहाँ तक जो हाइट है इस लेवल से बॉटम से ये वाटर टेबल की हाइट H है, तो ये जो स्मॉल H2 और स्मॉल H1 है ये वो ऊपर होगा, जब ड्रा डाउन कम होगा तो ये ऊपर होगा, ठीक है, तो नियरली अबाउट H के इक्वल होगा। तो फिर हम लोग मान लें H1 प्लस H2, H प्लस H दोनों को बताया ना, ये H1 को भी H के इक्वल मान लिया और H2 को भी H के इक्वल, कितना हो जाएगा
टू एच, ठीक है। तो अब फार्मूले पे आते हैं इस वाले पे, एच टू स्क्वायर माइनस एच वन स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एच टू माइनस एच वन की क्या वैल्यू निकाले हैं, टू एच, ठीक है। और एच टू माइनस एच वन, एच टू माइनस एच वन की क्या वैल्यू है, एस वन माइनस एस टू। ये वैल्यू आप याद भी कर सकते हो, एस टू माइनस एच वन इक्वल टू एस वन माइनस एस टू, ये होता है, ये आप याद भी कर सकते हो। तो फिर अब आगे देखते हैं, जैसे कि क्यू की क्या वैल्यू आई थी, टू पाई के एच टू स्क्वायर माइनस एच वन स्क्वायर, ठीक है, 2.3 लॉग 10 आर टू अपॉन आर वन। ये चीज़ हम लोग क्यू की वैल्यू ऐसे निकाल चुके हैं पहले, तो अब देख सकते हो आप ये एच टू का स्क्वायर माइनस एच वन के स्क्वायर के जगह पे 2h ये रख सकते हो, 2h इंटू एस वन माइनस एस टू। तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी क्यू की, 2 पाई के एच एस वन माइनस एस टू अपॉन 2.3 लॉग 10 आर टू अपॉन आर वन। तो वैसे ही के इजकल टू के एच, यहाँ पे के एच इजकल टू होता है टी, यहाँ पे जो टी है वो है कोफिशियंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ये था थीम्स इक्वेशन अनकन्फाइंड एक्विफर के लिए। आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।